आज हम लोग आए हैं राजिम कुंभ मेला घूमने। बहुत टाइम बाद ऐसे मेला वेला घूमने का मतलब मौका मिला है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। हम लोग दिन के टाइम में ही आ गए थे, इतना सोचना नहीं पड़ा कि हाँ यार जाना है नहीं जाना है, सड़क के पास ही है राजिम, तो मुँह उठा के आ गए। पार्किंग का जो रेट है ना, जो चार्जेस है ना, वो 30 रुपए है भाई टू व्हीलर का। हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए थे, तो हम लोग सोचे कि चलो सबसे पहले श्री राजीव लोचन जी के दर्शन कर लेते हैं ऐसे करके, तो सबसे पहले मंदिर ही आ गए। और यहाँ पे उतना भीड़ नहीं था, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि यार मेले का टाइम है तो बहुत ज़्यादा भीड़ भीड़ होगा, तो दर्शन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा ऐसे करके। फिर भी हम लोग एक बार आके देखें तो बहुत ईजीली मतलब दर्शन हो गया। हम लोग मंदिर में बहुत देर तक बैठ गए थे, वहाँ बैठने में बहुत अच्छा भी लग रहा था। जब निकले तो देखे कि यार रात होना स्टार्ट हो गया था ऐसा करके, तो फिर थोड़ा नदी साइड भी आए और यहाँ पे साइड में ही प्रोग्राम वगैरह चल रहा था। फाइनली दर्शन वगैरह करने के बाद हम लोग पहुँचे मेले में। भाई मेला तो ओवरऑल अच्छा था, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। मतलब 70 रुपये 80 रुपये झूले का रेट था, मैं तो सिर्फ एक ही झूला बैठी, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपेंसिव लगा मेरे को। यहाँ फ्लाईओवर से इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना, मतलब लक्ष्मण झूला भी देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, मतलब दूर से देखने में इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना। लाइटिंग लाइटिंग ये सब तो आप लोग सब कब आ रहे हो, 8 मार्च महाशिवरात्रि के दिन लास्ट है, तो आप लोग जल्दी आओ घूमो मज़े।